मारवाड़ बिजनेस स्कूल के राष्ट्रीय सेवा योजना की तीनों इकाइयों का 7 दिवसीय विशेष शिविर का समापन कॉलेज के सभागार में किया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि पार्षद मोहम्मद शहाब अंसारी, गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग के अवकाश प्राप्त प्रोफेसर बीएल सराफ, प्राचार्य डॉक्टर संतोष कुमार त्रिपाठी, कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर सीएम त्रिपाठी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। 7 दिवसीय शिविर के दौरान स्वयं सेवकों ने इस्माइलपुर वार्ड में शिविर लगाया गया था तथा स्वयं सेवक एवं स्वयं सेविकाओं द्वारा स्वच्छता अभियान, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, मिशन शक्ति, नारी सशक्तिकरण, यातायात जागरूकता, मतदाता जागरूकता, मद निषेध, कैंसर, कोविड-19 के प्रति जागरूकता अभियान के साथ सामाजिक सर्वे कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्यों को भी पूरा किया गया। गुरुवार को समापन अवसर पर स्वयं सेवकों द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मारवाड़ बिजनेस कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर सीएम त्रिपाठी ने कहा, मेरा नाम डॉक्टर चंद्रमोहन त्रिपाठी है। मैं इस मारवाड़ बिजनेस कॉलेज में एक केमिस्ट्री विभाग में अध्यापक हूँ। ये 7 दिवसीय विशेष शिविर जो राष्ट्रीय सेवा योजना के तरफ से साल में एक सत्र में कराई जाती है, उसमें विभिन्न कार्यक्रम कराए जाते हैं। समाज में अपने जो भी ज़रूरतें होती हैं उसके अनुसार हम लोग प्लान करते हैं। यहाँ पे जस्ट अपने महाविद्यालय से कुछ दूरी पे इस्माइलपुर मोहल्ला है, उस मोहल्ले को हम लोग अवाप्त किए थे। माननीय जो आपके सम्मानित पार्षद महोदय हैं साहब अंसारी जी, उनके निर्देशन में वहाँ पे बहुत सारे वर्क हम लोगों ने कराया। एक दिन हम लोगों ने स्वस्थ भारत अभियान पे सफाई अभियान कराया था। सफाई रहेगी तो स्वच्छता रहेगी तो हर हाल में कहीं ना कहीं बीमारियां दूर होंगी, इसको लेकर के पूरे मोहल्ले में हम लोग गहन एक सफाई अभियान कराए थे। इसी तरह से हम लोग संचारी रोग पे कैसे नियंत्रण किया जाए उस पर परिचर्चा कराया गया था। एक दिन मिशन शक्ति, नारी सशक्तिकरण से कोरिलेट करके एक हम लोगों ने यहाँ पर अभियान चलाया था। उसी में यातायात जागरूकता रैली प्रशासन के साथ यहाँ पे हम लोग बक्सीपुर मोहल्ले में कराए थे। इस तरह से और बहुत सारी विभिन्न गतिविधियाँ, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जागरूकता अभियान के साथ आज हम लोग इस 7वें दिन पे पहुँचे हुए हैं, जो इस समय कार्यक्रम के समापन का सांस्कृतिक प्रोग्राम कराया जा रहा है। क्या मकसद है इस तरह कार्यक्रम कराने का? इस तरह से हम लोग जो प्रोग्राम कराते हैं उसमें सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि हमारे जो ये युवा शक्ति हैं ये समाज से डायरेक्ट जुड़ सकें और वो समझें कि समाज में क्या क्या आवश्यकताएं हैं और किस तरह से वो अपने आसपास, अपने मोहल्ले, अपने समाज और अपने राष्ट्र के निर्माण में योगदान दे सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। तो उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा एक रोल अदा करता है और उस तरह से वो एक अच्छे नागरिक के रूप में डेवलप भी होते हैं। निश्चित तौर पे विगत पिछले महीनों में जब हमारे शहर में लॉकडाउन की स्थिति बनी थी, उस समय भी हमारे स्वयंसेवक सेविकाओं के द्वारा मास्क वितरण
अपने स्वयं मास्क बना करके और मास्क बैंक में गोरखपुर विश्वविद्यालय में हम लोगों ने जमा भी कराया था। सैनिटाइजर का डिस्ट्रीब्यूशन कराया गया था। जगह जगह पे बच्चे यहाँ नहीं आ पा रहे थे, घरों पे अपने थे, उसके बाद भी वो अपने घरों के पास ही आसपास में जो भी सहयोग करना था वो किए थे।